मीरा में ये मिला के रवा लो और सुबह तक पाओ गोली निखरी विदा हो जाए। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो आज मैं आपके साथ एक कॉफी सीरम शेयर करने वाली हूँ जो कि उसके आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स। कॉफ़ी सीरम, कॉफ़ी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, कॉफ़ी स्क्रब, कॉफ़ी सीरम, कॉफ़ी जेल बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि कॉफ़ी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक तो कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होती है, एक कैफीन से भरपूर होती है, इसमें टैनिंग रिमूवल की प्रॉपर्टीज़ होती है, यह हमारी स्किन को ब्राइट करती है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइट करती है अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग है, और ये हमारी स्किन पे होने वाले फाइन लाइन्स, रिंकल्स को भी दूर करती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं इस कॉफ़ी के। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले इस सीरम को बनाने के लिए हमको चाहिए एक साफ खाली कंटेनर, ठीक है, और ये मेरे पास 5-6 हैं तो मैं इसमें सीरम वगैरह बनाती रहती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी ऐसा जार हो, प्लास्टिक की डिब्बी हो या कुछ भी, जो क्रीम जिसकी आपकी ख़त्म हो चुकी है किसी में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। मेक श्योर कि वो साफ हो, अच्छे से सुखा के और उसे रखा हो। तो सबसे पहले हमें लेना है इस सीरम को बनाने के लिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन से होने वाले ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और ये बहुत ही अच्छा हमारी स्किन पर काम करता है। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेश एलोवेरा जेल है उसको अच्छा सा जेल निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल मार्केट वाला। आपके पास कोई भी अदर ब्रांड्स का एलोवेरा जेल हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना डालना है, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच डालना है एलोवेरा जेल के। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1, 2। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच भर के ही एलोवेरा जेल, ठीक है, 2 चम्मच आपने डाला एलोवेरा जेल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे बना रहे हैं कॉफी सीरम, देखो इसमें डालना है कॉफी। यहाँ पे मैं नेस्कैफे कॉफी ले रही हूँ, ये वाली। अगर आपके घर में कोई और ब्रू कॉफी है, इंस्टेंट कॉफी चाहिए, मतलब जो बिल्कुल बारीक पाउडर होता है ना, हमें बॉली कॉफी चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेस्कैफे ले रही हूँ। हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच कॉफी पाउडर। जैसे कि मैंने आपको कॉफ़ी के बेनिफिट्स पहले बता दिए हैं, इसके पैक्स, इसके स्क्रब, इसके जेल सीरम बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, और जब भी मैं कोई कॉफ़ी स्क्रब या पैक बताती हूँ तो इंस्टेंट ब्राइट कर देता है हमारी स्किन को, और मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कॉफ़ी पैक के। और कॉफ़ी जो है मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट इन्ग्रीडियंट है। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच डालूँगी कॉफ़ी का। देखिए मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच कॉफ़ी का अंदाजे से, तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़ा चम्मच डाला है कॉफ़ी, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं अपने एलोवेरा जेल के। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपना बादाम का तेल। जी हाँ, बादाम के तेल की मैं बात करूँ तो इसमें इतने अच्छे विटामिन ई होता है, बहुत सारे हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें हमारे स्किन के कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्षमता होती है। ये एक एंटी एजिंग ऑयल है, यानी कि ये हमारी स्किन पे होने वाले फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है, स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। पर गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हमारी स्किन चिपचिप हो जाती है, तो हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स, यानी कि जो ये ढक्कन है ना इसका, इसका आधा डालना है, ठीक है। अगर मेरी स्किन यहाँ पे नॉर्मल है तो यहाँ पे मैं 5 से 6 ड्रॉप्स डालूँगी, मतलब इसका ढक्कन का 1/2। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल, आपका फेस वॉश करते हैं तो इतना ज़्यादा आपका ऑयल आ जाता है कुछ टाइम बाद, बहुत ज़्यादा चिपचिप रहता है, तो आप सिर्फ 2 से 3 बूंदें डालेंगे। अगर गर्मियों में भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची लगती है, सूखी सूखी लगती है, पपड़ी जम जाती है गर्मियों में भी, तो आप ये पूरा 1 ढक्कन डाल सकते हैं, जो कि 1 टीस्पून के आराम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी स्किन नॉर्मल है, यहाँ पे मैं इसका 1/2 ढक्कन डालूंगी, यानी कि 1/2 टीस्पून जितना। देखिए मैंने 1/2 ढक्कन लिया और मैं इसमें डाल दूंगी, देखिए
हाफ टी स्पून मैंने लगभग 5 से 6 ड्रॉप्स होती है इसमें हाफ टी स्पून में, तो मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून आलमंड ऑयल। और अब इसमें अगला इंग्रीडियंट जाएगा वो है मेरा पर्सनली फेवरेट रोज वाटर। जी हाँ, देख सकते हैं बिल्कुल खत्म होने वाला है ये। रोज वाटर की बात करूँ तो गर्मियों में रोज वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट देता है, हमारी स्किन पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग भी बनाता है। रोज वाटर बहुत ही अच्छा होता है और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। स्किन में जो पानी की कमी हो जाती है, बार बार पसीना आता है, तो हमारी स्किन को हाइड्रेशन भी देता है, पोर्स को टाइट करता है अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, लगभग 1 छोटा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसमें गुलाब जल। देखिए इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे अपना वाइटामिन ए की कैप्सूल। अगर आपके पास वाइटामिन ए की कैप्सूल नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, वरना तो बहुत अच्छी होती है, आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगी। ये 10 कैप्सूल आपको 25 से 30 रुपए की मिल जाती है और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में वाइटामिन ई का भर भर के प्रोडक्ट मतलब यूज किया जाता है, चाहे लोशन बोल लो, चाहे क्रीम्स बोल लो, चाहे सीरम्स बोल लो, भर भर के इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से वो 600, 700 और 800 के पड़ जाते हैं सीरम्स, लोशन एंड ऑल। तो ये इजिली आपको केमिस्ट में मिल जाएगा, क्यों इतने पैसे बर्बाद करें सीरम्स में महंगे महंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसका, मैं इसमें हाफ डालूंगी वाइटामिन ई, क्योंकि मैंने इसमें बादाम का तेल भी डाला है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 कैप्सूल डालें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप इसका 1/3 डालेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा ऑयल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा आप किसी चीज़ में इसे मिक्स करके लगाएंगे ना तो आपका फेस चिपचिप नहीं होगा, पर अगर आप इसे डायरेक्ट अपने फेस में लगाएंगे ना तो बहुत थिक होता है, जैसे कि हमारा कैस्टर ऑयल होता है, तो ये आपकी स्किन पे एकदम से चिप सा जाता है, चिपचिप करने लगता है। तो हमेशा ही जब भी आपको इसे लगाना हो आप इसे एलोवेरा जेल में या गुलाब जेल में मिक्स करके ही लगाएं। मैं इसमें डाल रही हूँ अपना कैप्सूल हाफ, देखिए मैंने 3 ड्रॉप्स डाली है इसकी, इसमें अभी भी थोड़ा सा है, ठीक है। आप चाहें तो इसके थोड़ा सा बालों में भी लगा सकते हैं इसे, इसमें भी थोड़ा सा है। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये चम्मच का जो बैक पार्ट होता है ना, वैसे से मिक्स कर रही हूँ, इससे जेंटली मिक्स हो जाता है, ये देखिए। तो फ्रेंड ये हमारा सीरम तैयार है बनके। और हाँ, अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आंखों के नीचे पफीनेस है यानी कि सूजन है, या आपकी आंखों के आसपास फाइन लाइन्स रिंकल्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है, तो आप इसे आंखों के आसपास तो ज़रूर ही लगाएं। अब देखिए इसे कैसे लगाना है, रात को सोने से पहले आप इसे ज़रूर लगाएं, सुबह भी वैसे रात को सोने से पहले तो इसे ज़रूर लगाएं। सबसे पहले आप अपने फेस को कर ले अच्छे से वॉश, तो मैंने फिलहाल अपना फेस वॉश कर रखा है, स्किन पे कुछ नहीं लगा है, ठीक है। और आपको अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है, चाहे आप क्लेंजिंग मिल्क से कर लें या कच्चे दूध से कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको अपने चेहरे पर लेना है, देख सकते हैं बहुत लाइट वेट है, ये देखिए इतना ज़्यादा लाइट वेट है और ये इतना ज़्यादा ऐसा मतलब सीरम की कंसिस्टेंसी है ना इसकी, तो ये आपकी स्किन अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी क्योंकि बहुत लाइट वेट है। थोड़ा थोड़ा आपको डॉट डॉट करके अपने पूरे चेहरे पे लगाना है ऐसे, और हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से, देखिए इस तरीके से। ये मैंने पहले भी बनाया था और मुझे इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि मुझे मेरी स्किन जब भी मैं इसे लगाती थी तो बहुत ज़्यादा शाइन करती थी, बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी। तो मैंने सोचा फिर से मैं आपके साथ ये सिरप शेयर करती हूँ। तो देखिए इसे लगाया, कहीं भी आपको कॉफ़ी के स्टेन्स या कॉफ़ी लग रहा है कि मैंने कुछ कॉफ़ी का कुछ लगाया, नहीं, स्किन पे भी एक हाइलाइटर जैसी, देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, स्किन पे भी एक अच्छी सी निखार आया है, एक चमक आया है। और अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप थोड़ा सा इसे और लें, देखिए इस तरीके से। और ये हमारा रिंग फिंगर होता है ना, ये वाली रिंग फिंगर, छोटी फिंगर, इसमें आप थोड़ा सा इसे डिप करें, देखिए, और अपनी आंखों के नीचे ऐसा लेयर की तरह लगाएं, एक पतली सी लेयर लगाएं, देखिए इस तरीके से। और इस फिंगर से ही आपको 1 मिनट तक मसाज करनी है, क्योंकि ये जो हमारी ये वाली फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर ये वाली, इसका जो प्रेशर होता है बहुत लाइट होता है और हमारी आंखों के नीचे की स्किन होती है ना, बाकी फेस के अलावा बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो सबसे ज़्यादा इसलिए रिंकल्स भी सबसे ज़्यादा आँखों के आसपास ही जल्दी पड़ते हैं। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से मसाज करनी है, देखिए इस तरीके से, ऐसे आँखों के आसपास सूजन है,
किसी तरीके के डार्क सर्कल्स हैं या झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। इसी तरीके से इसी फिंगर से हम यहाँ पे भी अच्छे से सर्कुलर मोशन में एक मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे। आप लगा के सो जाएं और इस सीरम को अपने स्किन पे काम करने दें ताकि नेक्स्ट डे आपको इसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले। तो आज ही बनाएं, आज ही लगाएं इस बेहतरीन सीरम को, और मार्केट के जितने भी महंगे से महंगे कैफीन सीरम है, महंगे से महंगे सीरम्स है ना, एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, सब भूल जाएं और इसे घर पे ही बनाएं, क्योंकि घर पे इसे बनाना बहुत ईजी है, सारे डिटेल्स घर पे मौजूद होते हैं। और हाँ, आप इसे बना के 1 मंथ तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हफ्ते भर के लिए आप फ्रिज में स्टोर करें। अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी, जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया या जहाँ पे भी आपके क्रीम लोशन रखे होते हैं वहाँ आप इसे रख दें, तो ये खराब नहीं होगा 1 मंथ तक। करती हूँ कि आज की रेमेडी मेरी YouTube फैमिली को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, एक लाइक जरूर करना और इसे जरूर ट्राई करना, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइस। सो मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय। लव यू ऑल। बाय।